चलिए ग्यारह सिग्मा के बराबर एक ये। अब एग्जाम में 11 की जगह 15 हो जाए, 2 की जगह 8 हो जाए, है ना, 3 की घात k की जगह 3k प्लस 1 हो जाए। आप कंसेप्ट समझिए क्या है। कंसेप्ट ऐसा, सिग्मा का काम है एक पद दिया होता है उस पद पर सिग्मा लगा, वो पद जिसका मान दिया है वो वाला पद है, केवा पद है। कौन सा पद है? केवा। अब पहला पद निकालना है तो k का मान 1 रख दो, दूसरा पद निकालना है k का मान 2 रख दो। इस सिग्मा का मतलब है योग, कितने पदों का योग, 1 से लेके 11 तक कितने पद हो गए, 11 पद। तो इस सिग्मा का मतलब है कि 11 पदों का योग है, पहले पद से शुरुआत होगी, ठीक है, और केवा पद दे रखा है। आप के का मान एक एक करके लगाते जाइए, बढ़ाते जाइए और 11 पद तक पहुंच जाइए। ये है इसका, यानी इसने ये क्या रखा है कि के पदों का योग 11 पदों का योग, यानी अगर के का मान 1 रखोगे तो पहला पद यह प्लस के का मान 2 रखोगे तो दूसरा पद यह आएगा। ऐसे करके कितने पद है? 11। अगर हमें सारे पद लिखने हैं और सभी जोड़ने हैं तो हम 11वीं क्लास में क्या कर रहे हैं? वो ये तो वैसे भी लिख लेंगे, दो ये 11 पद लिखेंगे, 2 × 11 कितनी की घात निकालेंगे, 3 × 2 निकालेंगे, 3 × 3 निकालेंगे, सब कुछ। अब हम तो है 11वीं क्लास में तो 11वीं क्लास के कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये ब्रैकेट पद कैसे आया वो आपके समझ में आ गया। ये दो पहली ब्रैकेट से, ये दो दूसरी ब्रैकेट से कितने पद आने चाहिए? 11। यानी 2 11 पदों तक जुड़ रहा है, फिर प्लस 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3 कितने पदों तक? 11 पदों तक। समझ में आ गई बात? जी सर। ये दो जब 11 पदों तक जुड़ेगा तो 11 × 2 हो जाएगा, क्यों, 2 × 2 = 2 × 2 = 3 ये आपका 11 पदों का योग आ रहा है। अभी फॉर्मूला लिख पाया और ये गुणोत्तर श्रेणी जी सर, जिसका प्रथम पद कितना है? 3 है। और आर कितना है सर्वानुपात? 3 वो भी 3 है। 3 की घात 2 को 3 की घात 1 से बात करो, 3 की घात 3 है, 2 का 3 है, कितना आ गया ए गुणा आर की घात है, एन का मान कौन है? 11 माइनस ए बटे आर। सुन रहे हैं यहाँ पे क्यों हुआ ये? क्योंकि ए बराबर था आर बराबर 3 की घात 2 बटे 3 या 3 की घात 3 बटे 3 की घात 2 यानी 3 आ गया। और ऐसा जो होता है वो होता है ए इंटू आर टू द पावर एन। पिछली बार मैंने 1 − r^2 − 1 − r लगाया था क्योंकि आर का मान 1 से कम। हाँ सर, 1 से ज्यादा होगा तो ये कर लेंगे, कोई फर्क नहीं, नीचे ऊपर से कॉमन निकाला जाता है। कितना हो गया? 22 प्लस 3 की घात 12 − 3। अब 3 की घात 12 निकालते हैं, 3 × 12 गुणा कर, ठीक है, और नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि इसका मकसद ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करें, ठीक है। इसका मकसद है कि आपको क्या ये आता है, सिग्मा लगाया और ये दिया है। अब यहाँ पे वो मान लो लिख देगा 50, ठीक है, 50 पद उत्तर हो जाएगा जी सर। क्यों? ऐसा यहाँ इनका मान 50 हो जाएगा। हाँ सर, 1000 लिख देगा 1000 हो जाएगा, हमको जितने कहोगे उतने पदों को जोड़ कर रखेंगे जी सर। 11 इसलिए दिया है, बच्चा जनरली करता क्या है 11 का, उसको ये तो पता हो जाता है, याद रहता है। क्यों क्या करता है? पहला पद लिखता है, दूसरा लिखता है, 11 बार लिखेगा उसे, फिर 2 को 11 अलग करेगा, 3 की घात 1 से लेकर 11 तक, 3 की घात 1, 2, 3, 11 तक का मान निकालेगा, उसे जोड़ेगा, ठीक है। हाई स्कूल के बच्चे होते तो वो भी कर देगा इसको, हाई स्कूल में भी सिग्मा आता है सांख्यिकी में जी सर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपने कंसेप्ट लगाया उससे क्या फायदा मिल गया आपको, कि जितने जाए उतने पदों का निकाल जी सर। चलिए और बताइए 29। ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर गुणोत्तर मात्र है, तो पहले संख्याएं मान धनात्मक संख्या क्या क्या है? ए तथा बी। कुछ किताबों में इसे अल्फा और बीटा भी मान लिया, उसका भी कारण है। दो संख्याओं का समांतर मात्र है यानी ए तथा
बी का समांतर माध्यम कितना आता है? दो संख्याओं का अंदर समांतर माध्यम होता है औसत, एक तरह से औसत। तो दो संख्याओं का जो औसत है वो निकलेगा, दोनों को जोड़ो और दो से भाग कर दो। और दो संख्याओं का समांतर माध्यम का नाम हमने रखा है ए। ठीक, तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? ए प्लस बी संख्याओं का योग बराबर, उसका आपने दिया दो संख्याओं का। पढ़ो सवाल, मैं तो हर साल करता हूँ, सीखना तुम लोगों को। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य। समांतर माध्य ए दे रखा था, तो गुणोत्तर माध्य क्या दिया? जी जी, गुणोत्तर माध्य जी है। तो ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य। सवाल के साथ इन्वॉल्व रहा है, ये नहीं सवाल आपने पूछ लिया और आप आराम से बैठ गए, अब हम यहाँ चल रहे हैं। ठीक, आप यहाँ बता लेते हर लाइन के साथ जुड़ो। ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य क्या होता है? अंडर रूट ए बी। क्या बता? बिल्कुल जी, अंडर रूट ए बी, दोनों में गुणा करो, अंडर रूट करो। उसका नाम क्या रखा है इसने? जी 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 जी। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना निकल आएगा दोनों का गुणनफल? आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसके मूल हमें ज्ञात है क्या होते थे? वो द्विघात समीकरण जिसके मूल ए और बी हैं, ये कक्षा 9 में भी पढ़ा है आपने, दोबारा मौका मिल रहा है आपको कक्षा 11 में ये चीज़ सीखने का। यदि देखिए जिसके मूल ए तथा बी है, ऐसे द्विघात समीकरण जिसके मूल वो दो संख्याएं जो हमें निकालनी है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम द्विघात समीकरण बना लेंगे फिर उसके हम मूल निकाल देंगे अपना फार्मूला लगा के, और वही मूल तो हमारा आंसर है क्योंकि हमें तो वो दो संख्याएं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम दो संख्याएं जो हमें चाहिए उनसे एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, याद आया कुछ? यहाँ अल्फा बीटा बताया था आपको। यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जी। तो दुनिया में कोई भी द्विघात समीकरण बननी है वो ऐसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग जो भी इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जी। ये द्विघात समीकरण एक्स में बन गई, और इस समीकरण का जो हल है यानी एक्स के मान, वो मान है जो ए और बी है जो हमारे मूल जी। क्लियर है? देख रहे हैं ए प्लस बी का मान कितना है? टू ए। और ए बी का मान कितना है? कोई दिक्कत? अब द्विघात सूत्र लगा दो, याद आया द्विघात सूत्र क्या था? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, याद आया? जी सर। इसकी तुलना कर दो इससे, अरे कैपिटल ए तो इसी में आ गया, स्मॉल ए भी आ रहा है, तुलना मुलना नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, द्विघात सूत्र क्या कहता है? द्विघात सूत्र एक्स बराबर माइनस बी, बी कौन होता है? एक्स का मान, याद आया कुछ? कौन एक्स वाला? माइनस टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एच, ये द्विघात समीकरण होती थी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो आपका जो हल होता था वो ये होता था प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर एच अपॉन। अब यहाँ ए और बी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो या तो मैं ए और बी को बदल दूँ तो आपका तुरंत हिसाब किताब बन जाएगा। ए और बी ना मानकर मैं इसे कह देता हूँ अल्फा बीटा, और इसे कह देते हैं कोई दिक्कत तो नहीं सर? तो आपको जरा सूत्र की तुलना करने में आसानी हो जाएगी। ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन जनरली ए और बी मान के जब करते हैं तो बच्चों के सामने समस्याएं आती हैं।
माया देखनी किस तरह की है। अब आप दो चीजों में समझा रहे हैं कि हम ए भी ना लेकर अल्फा और बीटा क्यों लेते हैं। क्या हुआ अब तो अब जो हमारे पास द्विघात समीकरण होगा जिसके मूल कौन है अल्फा और बीटा वो ये बनेगा। यही आपने पढ़ा था जी सर। प्लस अल्फा बीटा और बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अब इसकी तुलना करो इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करो तुलना ए बराबर ए बी बराबर माइनस दो ए और सी बराबर डी का मान निकाल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी फोर ए स्क्वायर माइनस फोर जी स्क्वायर क्योंकि ए का मान एक है डी का मान कोई दिक्कत तो हाई स्कूल का एक मामला चल रहा है और लगा दो सीधा चार सूत्र क्यों लगाते हैं द्विघात सूत्र समीकरण से भूल जाते हैं ठीक है। और क्या है द्विघात सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस तो x बराबर माइनस बी दो ए प्लस माइनस वन और फोर ए स्क्वायर माइनस फोर जी स्क्वायर चार कॉमन लोगे दो बाहर आए दो पूरे से कॉमन लोगे दो से दो कट जाएगा कुल मिला के ये बचा ए प्लस ए स्क्वायर समझ आया नहीं। यहाँ चार कॉमन चार का वर्गमूल दो दो कॉमन लो दो से दो कट जाएगा पूरा यहाँ से ए रह गया और ये ए स्क्वायर। अब द्विघात समीकरण में आपको याद होगा जो हम ये प्लस का निशान और माइनस का निशान प्लस का निशान लेंगे तो अल्फा निकलेगा और माइनस का निशान लेंगे ना वो समीकरण है बोलो और इसने क्या कहा था दोनों संख्याओं का अनुपात सो अल्फा बटा बीटा या अल्फा अनुपात या ए प्लस ये आपका आंसर है यही आपका प्रूफ है ये आपका प्रूफ है। चलिए नोट करो इसी का भाई है